हाई एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो गाइस, एक छोटा सा टॉपिक है, 4-5 मिनट के भीतर इसको डिस्कस कर लेंगे। दैट इज़ कि अगर चाइना इंडिया से सोयाबीन को इंपोर्ट करना फिर से शुरू कर देता है तो क्या इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, जो कि चाइना के साथ में बहुत ही बड़ा है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड $50 बिलियन, तो क्या उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही एक विषय होगा आज का, थोड़ी सी नज़र इस पर डाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस और रॉ शुगर को इंडिया से इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है, और अब इंडिया नॉन बासमती राइस और रॉ शुगर को चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये जैसे ही ये देखा जा रहा है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अनुमति मिल गई है एक्सपोर्ट करने की, तो यहाँ पे फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब इंडिया को सोयाबीन के इम्पोर्ट, माफ़ कीजिएगा, एक्सपोर्ट के लिए भी परमिशन शायद दे दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सोयाबीन कहाँ से निकल के आ जाता है। देखिए, जब हम सोयाबीन की बात करते हैं तो चाइना एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। मैं बहुत बड़ी मार्केट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन की अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्शन का जो कि पूरे वर्ल्ड में किया जाता है उसका लगभग 50% से भी ज़्यादा जो इम्पोर्ट है सोयाबीन का वो कौन करता है, चाइना करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना एक बहुत ही बड़ी मार्केट है सोयाबीन के लिए। अब इतनी बड़ी मार्केट है तो ये इम्पोर्ट कहाँ से करता है, चाइना सोयाबीन को इम्पोर्ट करता कहाँ से है। देखिए, अगर सबसे बड़े सोर्सेज का बात करें जहाँ से चाइना इम्पोर्ट करता है सोयाबीन को, तो वो है ब्राज़ील और USA। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो है बांग्लादेश, इंडिया। देखिए, अब इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया से पहले इंपोर्ट करता था सोयाबीन चाइना, लेकिन 2012 के बाद में अभी इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लाओस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से चाइना इंपोर्ट करता है सोयाबीन का। अब देखिए, समस्या यहाँ पर ये है कि आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि चाइना और USA के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। अब ट्रेड वॉर चलना भी स्वाभाविक है क्योंकि USA का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है लगभग 200 बिलियन का। 200 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ में USA का, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अपना एम बनाया हुआ है कि इस पूरे ट्रेड डेफिसिट को हमने 100 बिलियन तक लेके आना है। और इसी एम को पूरा करने के लिए USA की गवर्नमेंट ने चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके के इम्पोर्ट टैरिफ लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब जैसे USA की गवर्नमेंट चाइनीज़ प्रोडक्ट पे यहाँ पे टैरिफ लगाना शुरू करती है, इम्पोर्ट टैरिफ लगाना शुरू करती है, तो इसको देखते हुए फिर यहाँ पे रिटेलिएटरी एक्शन भी लिया जाता है बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट, और लगभग बहुत सी USA के जो आपके प्रोडक्ट है उस पर भी यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो लगाना शुरू कर देती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि USA जो कि बहुत ही बड़ा एक एक्सपोर्टर है सोयाबीन का चाइना के लिए, तो सोयाबीन जो कि USA से इम्पोर्ट करता है चाइना, तो सोयाबीन पे यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है लगभग 25% का। अब इसका सीधा मतलब ये है कि लगभग 25% से ही सोयाबीन महंगी हो जाएगी जो कि USA की है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि एक सोर्स जो है वो लगभग ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है चाइना का, जो कि है USA। अब क्योंकि 25% से इनकी चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो शायद इनके जो सोयाबीन है चाइनीज़ मार्केट USA से ख़रीदना पसंद ना करें, तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इंडिया के लिए। ठीक है, अब इंडिया के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो USA के जो प्रोडक्ट है सोयाबीन जो है उसको अब चाइनीज़ मार्केट जो है वो प्रोक्योरमेंट वहाँ से नहीं करेगी। ठीक है, अब इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इंडिया के लिए क्यों यहाँ पे एक दरवाजे खुल गया है, क्योंकि देखिए अब जिन दूसरी कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, लाओस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन कंट्रीज़ का यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही कम कर दिया है, तो इन कंट्रीज से भी यहाँ पे सोयाबीन इंपोर्ट करता है चाइना, इन कंट्रीज़ पे इन्होंने टैरिफ कम कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चीज़ें बेचेंगे वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होंगी चाइनीज़ मार्केट में। ठीक है, तो चाइनीज़ मार्केट जो है वो किसको प्रेफर करेंगे, इन कंट्रीज़ को। अब इन कंट्रीज़ में से नाम इंडिया का भी आता है, लेकिन इंडिया 2012 के बाद में इन्होंने सोयाबीन का एक्सपोर्ट नहीं किया चाइना को, क्योंकि क्वालिटीज़ इश्यूज़ थे, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं उस पर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशली हम बात करें सोयाबीन का, तो वो खरा नहीं उतरी थी, तो इसको देखते हुए अब तक इंडिया ने एक्सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन रिसेंट जो मीटिंग हुई थी इंडियन ऑफिशियल्स और चाइनीज़ ऑफिशियल के बीच में, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि नॉन बासमती राइस हो गया, रॉ शुगर हो गया, उसको अब फिर से चाइना इम्पोर्ट करना शुरू कर देगा, और उसके बाद फिर सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी बात की गई कि जल्द ही चाइना से एक आपके इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंस्पेक्टर साहब इंडिया में विजिट करेंगे और वो देखेंगे कि क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो अगर उनको क्वालिटी अच्छी लगी इंडिया की सोयाबीन की, तो वो शायद एक बार फिर से परमिशन दे दे चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया को कि आप सोयाबीन को एक्सपोर्ट करिए चाइना के लिए। अगर क्वालिटी पे खरे नहीं उतरते हैं तो शायद यहाँ पे कोई गाइडलाइंस दिया जा सकता है उनके द्वारा कि आप ये गाइडलाइंस है, ये पैरामीटर्स है, आप इस पे काम कीजिए, फिर एक बार फिर से आपको परमिशन दे दी जाएगी। तो इस पूरे अगर न्यूज़ पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो यहाँ पे इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ही है। एक तो यहाँ पे रॉ शुगर और नॉन बासमती राइस को ऑलरेडी परमिशन दे दी गई है, और अगर मान लीजिए परमिशन नहीं भी मिलती है सोयाबीन को, तो अगर यहाँ पे कोई मापदंड भी उनके द्वारा दे दिया जाता है कि इस पे आप काम कीजिए,
तो शायद आने वाले समय में परमिशन शायद मिल सकता है। बहरहाल ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का इस फील्ड में आखिरकार, अगर इस फील्ड में सोयाबीन के प्रोडक्शन में बात करें तो कहाँ पे इंडिया है। देखिए लगभग 10 से 11 मिलियन टन का प्रतिवर्ष इंडिया यहाँ पे उत्पादन करता है सोयाबीन का, और इसमें से लगभग अगर हम बात करें तो 2 से 3 मिलियन टन जो है ये इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर मान लीजिए चाइनीज़ मार्केट इंडिया को परमिशन दे देती है कि आप सोयाबीन को एक्सपोर्ट कीजिए, तो यहाँ पे बेसिकली बेनिफिट इंडिया को क्या होगा कि इंडियन फार्मर्स जो है, जो कि प्रोडक्शन करते हैं सोयाबीन का, और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जो कि लगभग 90% तक सिर्फ 2 स्टेट ही सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही अगर चाइनीज़ मार्केट जो है, अगर इंडियन गवर्नमेंट को अगर यहाँ पे अप्रूवल दे देती है कि आप सोयाबीन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को, इंडियन फार्मर्स को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो सोयाबीन को बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्शन किया जा रहा है ये डोमेस्टिक नीड को मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो अगर ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड बढ़ती है तो इंडिया के लिए ये बेनिफिट ही होगा। क्योंकि रिसेंटली हमने अभी देखा है कि नॉन बासमती राइस और रॉ शुगर को ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, तो वो दिन दूर नहीं है शायद आने वाले समय में अब सोयाबीन का इम्पोर्ट भी शुरू कर देगी चाइना। अब देखिए इंडिया और चाइना के ट्रेड डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया का चाइना के साथ में बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ सोयाबीन का ही एक्सपोर्ट अगर इंडिया करती है तो इनका ट्रेड डेफिसिट जो है झट से ये 50 बिलियन का जो है ये कम होकर 10 बिलियन तक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि 1000 माइल्स की जो जर्नी होती है सिंगल स्टेप से शुरू होती है, तो शायद ये सिंगल स्टेप ही हो। तो हम पॉजिटिव जो आपके पॉइंट्स है उसको लेके चलेंगे कि एक छोटा सा इनिशिएटिव होगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इंडिया के लिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।